Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जहवा खाकी में राज दफनात हुई तब बुझिया कि राम राज है। जहवा खादी में हवसी लुकात हुई तब बुझिया कि राम राज है। जहवा दिन ही फूलमतिया है रात हुई तब बुझिया कि राम राज है। नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक गाना आया था और वो गाना था बॉलीवुड के सुपरस्टार और बिहार के लाल यानी कि मनोज बाजपेयी का। जी हाँ, मनोज बाजपेयी ने एक गाना गाया था कि बम्बई में काबा। बम्बई में काबा मतलब कि बहुत सारे बिहार के ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और जाकर मुंबई में अपना पालन पोषण करते हैं और अपना पेट पालते हैं। पेट पालने के लिए ही वो बिहार से हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं और वहां पर जाकर रिक्शा चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, जो भी छोटे छोटे काम हैं उसको कंप्लीट करते हैं और उसी के माध्यम से वो अपना जीविका, अपने परिवार का जीविका और अपना पेट चलाते हैं। और इस प्रकार के संघर्षों को और इस प्रकार के चीज़ों को लेकर उन्होंने ये गाना गाया था जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। और बिहार के बड़े दिग्गज नेता, खास करके अगर हम तेजस्वी यादव की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, तो उन्होंने भी इस गाने को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, सपोर्ट किया था और बिहार के मेन इश्यूज, मेन मुद्दा को कहीं ना कहीं अपने गाने के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन उनके गाने से ज़्यादा अगर कोई ये गाना वायरल हो रहा है तो वो गाना है नेहा सिंह राठौर का। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर आजकल सोशल मीडिया के न्यूज़ सेंसेशन बन गई है और उनका गाना आजकल लाखों करोड़ों में देखा जा रहा है। नेहा सिंह राठौर क्यों वायरल हो गई, इसके बारे में मैं तो चर्चा करूँगा, लेकिन जिस तरीके से हाथरस में एक बड़ा मामला हुआ है, एक बेटी के साथ कुछ कुकर्मों ने उसके साथ जो है दुर्व्यवहार कर बलात्कार कर उसको मारने की कोशिश की, उसकी जीभ काट दी गई और वहाँ पर यूपी सरकार का जो रवैया था, जो पुलिस का रवैया था, वो आप पूरे खबरें में देख रहे होंगे। उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना बता दूं कि वो मामला जो है शुरू में जीरो था, लेकिन जब मीडिया का दबाव बना तो वो मामला एक काफी हाई प्रोफाइल मामला बन गया और ये मामला इतना तेजी से बढ़ गया कि आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुआ, आज देख सकते थे कि टीएमसी के सांसदों के साथ जिस तरीके से यूपी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और गांव में जो है मीडिया कर्मी को घुसने नहीं दिया जा रहा है और उस गांव में किसी भी नेता मीडिया कर्मी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, जो उनकी पुलिस है, वो कहीं ना कहीं वहां के जो साक्ष्य है, वहां के जो परिणाम है, वहां के जो एविडेंस है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर तानाशाह का लोग कई सारे योगी सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की, तो नेहा सिंह राठौर ने मुंबई में काबा पर गाना पर आधारित उन्होंने गाना गाया था कि बिहार में काबा। बिहार में जिस तरीके से 15 साल पप्पा का राज था, 15 साल चच्चा का राज था, लेकिन फिर भी मंगरुआ बेरोजगार बा, बिहार में काबा, इस प्रकार के कुछ गाना गाए थे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और गाना इसलिए वायरल हुआ था क्योंकि बिहार के जो ग्राउंड इश्यूज हैं, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंड समस्या है, उसको लेकर अपने गीतों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और नेहा सिंह राठौर इसी गाने से वायरल हो गई और लगभग अब हर चैनल पर उनका गाना, उनका इंटरव्यू जो है टेलीकास्ट किया जा रहा है। अगर हम नेहा सिंह राठौर की बात करें तो नेहा सिंह राठौर बिहार के कैमूर जिले से आती हैं और इसी प्रकार के सेंसेशन जो मुद्दे हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, उसको लेकर गाना गाती रहती हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर जो है फिर सुर्खियों में आ गई है, सुर्खियों में हाथरस मामले को लेकर आ गई है, क्योंकि हाथरस मामले पर उन्होंने अपने फेसबुक पर एक गाना पोस्ट किया था जिसको लेकर अब जो है मीडिया लोग, मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं उस गाने को अपने चैनल्स पर चला रहे हैं और उस गाने को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है और कहीं ना कहीं उस गाने के माध्यम से, नेहा सिंह राठौर के आवाज़ के माध्यम से हाथरस की बेटी के लिए जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। और अगर हम नेहा सिंह राठौर की बात करें तो नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने में उन्होंने गुनगुनाया है और उन्होंने ये कहा है कि खाकी में जब राज दफनात हुई तो बुझिया कि राम राज है।
क्योंकि यूपी में जो है राम राज माना जाता है, क्योंकि वहां पर राम जी का मंदिर तो बन गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहां की जो सीता है वो सुरक्षित नहीं है और वो दरिंदों के द्वारा लगातार जो है हैवानियत की शिकार हो रही हैं, मारी जा रही हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उनको जो है बलात्कार कर दिया जा रहा है, उनको रेप कर दिया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार यूपी में सामने आ रही है और योगी सरकार गला फाड़ कर चिल्लाते हैं कि यूपी में राम राज है लेकिन वहां की जो सीता है वो सुरक्षित नहीं है, ऐसे कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो उसी पर आधारित इन्होंने गाना गाया है कि खाकी में राज दफनात हुई, मतलब कि जिस तरीके से रातों रात उस बेटे को दफना दिया गया बिना उनके फैमिली वालों के परमिशन से, तो समझिए कि राम राज हुई, मतलब कि राम राज है और वहां पर अगर ऐसा मामला होगा तो समझ जाइए कि राम राज है। उसके बाद बोली है कि खादी में हवसी लुकात हुई, लेकिन जिस तरीके से उनका जो हवस का शिकार बनाया था जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं अभी भी छुपा हुआ है और उसको अभी तक पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर पाई है, तो समझ जाइए कि वैसा अगर कोई कांड हो रहा है तो वो राम राज है, यानी कि उत्तर प्रदेश से। आगे लाइन में उन्होंने बोली है कि दिन ही में जब फूलमतिया हेरात हुई, यानी फूलमतिया जो है वो लड़कियों के लिए प्रयोग किया गया है और ऐसा वो कहना चाह रही हैं कि जब दिन में ही उत्तर प्रदेश की लड़कियां अगर गायब हो जाएं तो समझ जाइए कि वो रामराज है, जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि अपने गाने के माध्यम से योगी सरकार और योगी के पुलिस व्यवस्था पर, योगी के प्रशासन व्यवस्था पर काफी कड़ी संदेश दिया है और इस संदेश को लोग जो है काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं और इस वीडियो को काफी ज्यादा लोग वायरल भी कर रहे हैं। तो आपने भी इस वीडियो को देखा और फिर एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अरे नैनी के हाँ सुनैनी के दहिया नो चात हुई तबुझी है कि राम राज है। जाति धर्म के झंडा लहरात हुई तबुझी है कि राम राज है। अरे राम राज है तोहर कैसन राज है। रेप रंगदारी आम बात हुई तबुझी है कि राम राज है। रातो रात पीड़िता के लाश फूकात हुई तबुझी है कि राम राज है। एहो खाकी में राज दफनात हुई तबुझी है कि राम राज है। माई बिटिया बिना छछानात हुई तबुझी है कि राम राज है। बाप बेटी जन्म आवे से डरात हुई तबुझी है कि राम राज है। एहो राम राज है तोहर कैसन राज है। रेप रंगदारी आम बात हुई तबुझी है कि राम राज है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि ये गाना जो है लोगों के जहन में गूंजे और वो भी योगी की इस व्यवस्था को सही तरीके से पहचान सके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.